अस्सलाम वालेकुम व्यूबर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाहौरी फ़िश की। ये मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और ये सभी की पसंदीदा रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने फ़िश लिया, 3 पाव मैंने फ़िश लिया, इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया, इस तरह सारे पीसेस भी छा लें। अब ये एक छन्नी लें, ये मैदा लिया मैंने, इसमें डाल के ये फ़िश के पीसेस पर स्प्रिंकल करते हैं इस तरीके से, इस तरह। फिश की दोनों साइड्स पर ये सारा मैदा मैंने टेस्ट कर दिया। अब इसको साइड पे करें। ये मैंने फिश के पीसेस जो हैं वो साइड पे कर दिए हैं, इसने मैदा डस्ट किया ताकि जो पानी है इसका वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। ये एक बाउल ले लिया, तो मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट ली और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया। अब इसको डाल दें बाउल में। ये 1/4 कप हमें चाहिए लेमन जूस, ये इसमें डाल दें। ये सारे स्पाइसेस नहीं हैं। 1 टेबल स्पून हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, हसबे जायका हमने लिया नमक, और 1 टीस्पून हमें चाहिए कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हमें चाहिए खुश्क धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून हमने लिया अजवाइन, अजवाइन का भी मैंने पाउडर बना लिया, और 1 टेबल स्पून हमें चाहिए ज़ीरा पाउडर, और 1/2 टीस्पून हमें चाहिए हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून हमने लिया गरम मसाला पाउडर। सारे स्पाइसेस इसमें डाल दें। ये सारे स्पाइसेस हमने डाल दिए, और 1 कप चाहिए हमें बेसन का, ये भी इसमें डाल दें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी लेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डालें। हमें इसकी पेस्ट तैयार करनी है, इतना थिक नहीं करना। इसको हमने अच्छी तरह, इस तरह मसाला जो है होना चाहिए, इतना ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब ये जो फिश के पीसेस है ये इसमें डालें। सारे पीसेस को इस तरह डालकर अच्छी तरह इस पर मसाला लगा दें। ये अच्छी तरह मैंने मसाला लगा दिया सारे पीसेस को। अब इसको आप छोड़ दें पूरे 1 दिन के लिए, ताकि जो हमने मसाले लगाए हैं वो फ़िश में अच्छी तरह जज़ब हो जाएं, और तभी फ़िश का अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको हम नेक्स्ट डे फ्राई, फ़िश को मैंने ओवरनाइट रखा है, अब इसको हम करेंगे फ्राई। और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, अब हम करेंगे फ्राई। ये सारे पीसेस आप डाल लें। तो फिश की पीसेस मैंने डाल दी हैं, अब इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि फिश जो है वो अंदर तक पक सके। अब इसके हम साइड चेंज कर देंगे और इसको हम थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि ये अंदर तक पक सके। फिश जो है वो पक चुकी है, इसको हम निकालते हैं पीसेस को। पीसेस निकालते हैं इसी तरह। ये फ्राई हो चुकी है, बाकी पीसेस भी इसी तरह फ्राई कर लें। फिश जो है वो फ्राई हो गई है, अब इसको डिश आउट करते हैं। लाहौरी फिश को मैंने डिश आउट कर दिया, एक पीस मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। पूरी अंदर तक पक चुकी है,
बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मेरी रेसिपीज़ अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे अपना फीडबैक देते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।